हेलो दोस्तों, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं उन्हीं से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस पार्टिकुलर लेक्चर में हम पूरा समरी पढ़ेंगे कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया। तो चलिए, सबसे पहले हमने जाना कि आखिर प्रिंटिंग स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है। सबसे पहले हमने जाना सिंटैक्स, इसको प्रिंट स्टेटमेंट को यूज करने का सिंटैक्स क्या है, मतलब कैसे इसको लिखेंगे। उसके बाद हमने जाना कॉमन एरर्स, कॉमन एरर्स लोग क्या करते हैं। इसके बाद हमने सिंपल जाना स्कैप सीक्वेंसेज। स्कैप सीक्वेंसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से उसको पढ़ाया है, और आई होप कि आपने वो चीज़ मतलब एस्केप नहीं की होगी। स्केप सीक्वेंसेज पढ़ते हुए आप उस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। वहाँ से आप एस्केप अपने आप को नहीं किए होंगे, ठीक है। तो स्केप सीक्वेंसेज आपने ज़रूर पढ़ा होगा। तो तीसरी चीज़ हमने स्केप सीक्वेंस पढ़ी। अच्छा, सिंटैक्स, कॉमन एरर्स और स्केप सीक्वेंसेज के बाद, स्केप सीक्वेंसेज हमने 6 तरह के पढ़े, जिसमें पहला था सिंगल कोट, डबल कोट, बैक स्लैश, न्यू लाइन, टैब और बैक स्पेस, ठीक है। तो टोटल 6 तरह के हमारे पास स्केप सीक्वेंसेज थे। और इसके साथ साथ हमने जाना इग्नोरिंग द स्केप सीक्वेंसेज, मतलब स्केप सीक्वेंसेज को कैसे हम इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोरिंग द स्केप सीक्वेंसेज, इग्नोरिंग द इग्नोरिंग द एस्केप सीक्वेंसेज, ठीक है। इसके बाद हमने जाना कि स्केप सीक्वेंसेज को इग्नोर करने के जस्ट बाद हमने ये जाना कि कमेंट लाइन हम कैसे देंगे इसमें, मतलब कि पाइथन में हम कमेंट लाइन कैसे देंगे। तो हमने जाना कि पाइथन में कमेंट लाइन जो हैच स्टेटमेंट से देते हैं, मतलब हैच सिंपल लिख देने से वो लाइन जो है इंटरप्रेटर नहीं पढ़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मल्टीपल लाइन आपको कमेंट करना है तो सिंपल उस लाइन्स को सिलेक्ट करिए और कंट्रोल डिवीजन ऑपरेटर दबा दीजिए, मतलब कंट्रोल और कंट्रोल मतलब राइट वाला कंट्रोल, कीबोर्ड में राइट वाला कंट्रोल दबाइए, और कंट्रोल दबाने के जस्ट उसके ऊपर जो होता है सॉरी फ्लोट डिवीजन ऑपरेटर, उसको आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो कमेंट लाइन पूरा का पूरा लाइंस कमेंट हो जाएगा। उसको अनकमेंट करना है, मतलब मल्टीपल लाइन को अनकमेंट करना है, तो ठीक वही प्रोसेस है, सिलेक्ट करिए और कंट्रोल और फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर लगा दीजिए, ठीक है, फ्लोटिंग डिवीजन ऑपरेटर लगा दीजिए। इसके बाद हमने क्या किया, इमोजी प्रिंट कराया, ठीक है, इमोजी प्रिंटिंग, इमोजी प्रिंटिंग किया। इमोजी प्रिंट करने के लिए हम सिंपल कुछ जो है कोड्स, सबसे पहले तो हमने पिप इंस्टॉल इमोजी, एक पैकेज है जिसको हमने इंस्टॉल किया, और इसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल उसको इंपोर्ट किया। और इंपोर्ट करने के बाद जो है, अच्छा, इंस्टॉल आप तभी करें जब आप में एरर आए, अगर एरर नहीं आ रहे तो आप उसको इंस्टॉल नहीं करें, ठीक है। अच्छा, इमोजी प्रिंट करने के लिए हमारे पास एक कोड होता था, उस कोड में आप चेंज करके अलग अलग इमोजी प्रिंट करा सकते हो। उसके जस्ट बाद हमने जाना कि कैलकुलेटर, कैलकुलेटर कैसे बनाए पाइथन में, और कैलकुलेटर के जस्ट पहले आपने जाना ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स जाना, ऑपरेटर के जस्ट बाद आपने कैलकुलेटर बनाना सीखा, मतलब क्या प्रिंट स्टेटमेंट एज ए कैलकुलेटर आप कैसे यूज करेंगे, ठीक है, ठीक है। इसके जस्ट बाद आपने जाना कि प्रिसिडेंस क्या होता है, मतलब ऑपरेटर्स तो आप जान लिए, कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्यूएट होगा, इस चीज़ को जानने के लिए हमने प्रिसिडेंस जाना, ठीक है। तो ये यार 9 चीज़ें जो है 9 लेक्चर्स में मैंने कवर अभी तक की है, और ये लेक्चर 10 था, और लेक्चर 10 में हमने ब्रीफ समरी भी दे दिया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक्सरसाइज दूंगा चैप्टर 3 से रिलेटेड, और इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन जो है उसके नेक्स्ट वीडियो में रहेगा। उसके बाद जो है चैप्टर 3 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब प्रिंट स्टेटमेंट आप पूरी तरह से पढ़ चुके हैं ये मान के आप चलिएगा। आई होप कि ये समरी आपको अच्छा लगा होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, और हर एक चैप्टर के अंत में मैं यार समरी दे दिया करूंगा। अगर आपको समरी लेने से देखिए फायदा ये होगा कि आप क्विक रिविजन हो जाएगा और आपको अपने कॉपी पलट के रिविजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इसके जस्ट बाद मैं एक्सरसाइज दूंगा, आशा करता हूँ कि वो एक्सरसाइज आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। थैंक यू।